हर जगह स्वच्छता अभियान और किस तरह से स्वस्थ रहे इसके बारे में पोस्टर, बैनर और कई तरह के विज्ञापन तो देखे होंगे। वहीं कई बार यह भी लिखा देखा होगा कि सफाई कामगारों का सहयोग करें जिससे आपके घर और आसपास में स्वच्छता बनी रहे। वहीं ठीक इसके विपरीत हम जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं वह पहली बार में तो आप इन पर यकीन नहीं कर पाएंगे। जिला चिकित्सालय में रात के समय अंदर की सफाई करके बाहर दरवाजे पर फेंकी गई उपयोग में लाई गई हुई सिरिंज और इंजेक्शन, साथ ही अन्य कचरा काफी देर तक दरवाजे पर ही पड़ा रहा। जब हमारा कैमरा इसकी रिकॉर्डिंग करने पहुंचा तब वहां के कर्मचारी जागे। साथ ही थाना प्रभारी संजय राठौर ने तत्काल सफाई कर्मियों को बुलाकर यहां से कचरा उठवाया, जबकि शासन के द्वारा सख्त निर्देश है कि कौन सा कचरा किस तरह से और कहां पर फेंकना है। इसके लिए बड़े बड़े सेमिनार भी जिला स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। इसके बावजूद भी इस तरह से उपयोग में लाई हुई सुइयों को रास्ते में फेंकना कितना घातक हो सकता है ये किसी ने नहीं सोचा होगा। वहीं कल भी इस तरह की घटना के बाद खबर लिखे जाने तक किसी भी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई तक नहीं की गई। वैसे भी इन दिनों अस्पताल प्रशासन लापरवाहियों का केंद्र बना हुआ है। इसमें अगर इस तरह की लापरवाही भी हो गई होगी तो किसी अधिकारियों को अस्पताल में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से बरस रहे हैं। पहल तक यहाँ पे आज के यार नहीं ना भाई सब खाली है, सब खाली है। एक पूरी हो जाए जेब में जाके यार जेल वाले तुम भी जेल वाले कर लियो।